नमस्कार। सो फिर से मैं भाई करूँ, जो नेपाल को ले रहे हैं, चाहे आप जाएं ना जाएं, किसी के भी थ्रू जाएं, बट प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और सोच समझ के फैसला कीजिए, क्योंकि अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं। इस साल भी एक क्लाइंट है जो लास्ट ईयर नेपाल का, कहते हैं भुक्त भोगी है। और आप लोग अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं फॉर इंडियन, मैंने आपको भी समझाया रिगार्डिंग MP, कर्नाटका और एनी अदर कॉलेज जहाँ पर आप बुकिंग की बात करते हैं। तो देखिए, नेपाल में भी आपको सीट काउंसलिंग से मिलनी है। तो जहाँ पर आप पैसा देके ये सोच रहे थे कि मेरी सीट कंफर्म हो गई और 5 लाख का डिस्काउंट, 7 लाख का डिस्काउंट, वो सीट कंफर्म नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि आप उस दिन पहुँचे काठमांडू और आप खाली हाथ आएँ। तो जो मैंने आपको इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में समझाया था, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो आपसे ये डील कर रहे हैं कि कल को अगर आपको उस दिन काठमांडू मेडिकल कॉलेज मिलेगा तो हम आपको इतनी फीस में सीट दे देंगे, ये हमने आपसे वादा कर लिया। बट उस दिन आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो जब कोई गारंटी है ही नहीं, तो फिर भाई हम क्यों ये इतना बड़ा, जैसे कहते हैं, पंगा लें या फैसला करें। तो फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि काउंसलिंग प्रोसेस चलती कैसी है, उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए अगर हो सके तो, और आपको हेल्प होगी। देखिए, नेपाल में हम जानते हैं 20-22 से करीब कॉलेजेस हैं। पहली जो चॉइस है वो नेपाल में भी उन बच्चों को रहेगी जो NLSET की बात कर रहे हैं। तो नेपाल के हर कॉलेज में 66% नेपाली बच्चों के लिए नॉर्मल फीस, 33% NRI जिसमें हम जैसे लोग जाते हैं, इसमें भी फर्स्ट प्रेफरेंस उसको है जिसे नेपाल का एग्ज़ाम दिया। तो हमने नीट क्वालिफाई करा, ये है इंडियन गवर्नमेंट की कंडीशन टू कम बैक एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। और इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से तो 3 साल तक क्वालिफाई चलता है। इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब लास्ट ईयर क्वालिफाई थी, इस साल ली हूँ, इंडिया गवर्नमेंट कहती है बाहर जाओ। नेपाल का अपना रूल है कि अगर आपको नीट के भरोसे आना है तो आपको इसी साल क्वालिफाई करना है और जनरल कैटेगरी से करना है। लेकिन अब लास्ट ईयर क्वालिफाइड थे, आप आइए मेरा एग्ज़ाम दीजिए और आप मेरी सीट लेने के लायक हो जाएंगे। तो इंडिया में आप लास्ट ईयर नीट क्वालिफाइड थे तो इंडिया से पास हो गए। इस साल आपने MEC का एग्ज़ाम दे दिया नेपाल वाला, आप नेपाल से पास हो गए, यू आर एलिजिबल इन बोथ केसेस। इस साल आप इंडिया में जनरल कैटेगरी में फेल है, कैटेगरी क्वालिफाइड है, नेपाल में अलाउड नहीं है, तो आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। इन दो लोगों को तो पता होता है कि हमें एग्ज़ाम देना है। अब तीसरी कैटेगरी है जो इंडिया में जनरल क्वालिफाइड है, जैसे अगर 164 मार्क्स है इस साल, आपके 180 है, 190 है, आपको खूब मैसेज आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, सीट कन्फर्म। लेकिन उस दिन वहाँ पर मौके पर सेम होता है जैसे इंडिया में होता है ना, तो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है और एक दिन पहले सेम सीट्स पे उनकी काउंसलिंग होगी जिन्होंने MEC का एग्ज़ाम दिया कि क्वालिफाई कराए। MEC में भी सेम रूल है इंडिया वाला, 50% आई, 200 नंबर का पेपर आप जानते ही हैं, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसमें ना थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, जिसे आप हल्का वाला 9th-10th वाला मैथ्स कह सकते हो, प्रॉफिट लॉस वगैरह और वो फिगर देख के सीरीज ढूंढने वाला। अब आपके नंबर है 400 नीट में, बहुत अच्छे नंबर है। एक था जो कि कैटेगरी क्वालिफाइड था, उसने पेपर दे दिया, उनके पेपर में 200 में से 85 आ गए और बेसिकली वहाँ पर वो क्वालिफाई हो गया। तो काउंसलिंग तो उसकी एक दिन पहले हो रही है। और अगर ऐसे सारे बच्चों ने मणिपाल की या कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर की सीटें खाली कर दी, फिर आपको अगले दिन 400 नंबर पर भी नहीं मिलेगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, मतलब कि अगर आप इंडिया में 400-450 नंबर हैं और आप इसलिए बाहर जा रहे हैं कि, क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट है 512 नंबर का, कि भाई इंडिया के UP के 65 लाख भी भारी हैं, या फीस बढ़ के 70 लाख हो सकता है ना अभी, और नेपाल में मेरा खाना पीना मिला के काम 55 लाख में हो रहा है। तो मैंने कहा सर आपको पक्का 55 लाख में मैं दिला देता हूँ, लेकिन मणिपाल और CMS मत मांगिए। आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज या काठमांडू मेडिकल कॉलेज मांगेंगे तो कन्फर्म है। सिमिलरली इंडिया में अगर आपके 240 नंबर हैं और आप देवदा मेडिकल कॉलेज या नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज मांग रहे हैं, तो यू आर मोटा मोटी सेफ़ कि आप खाली नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 220 नंबर लेके आप सिर्फ और सिर्फ मणिपाल के चक्कर में थे, तो हम एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं। 220 नंबर अगर आपके हैं और आप देवदा के लिए, जानकी के लिए, नेशनल मेडिकल कॉलेज के लिए ओपन हैं, फिर तो आप सेफ हैं। लेकिन अगर आप मणिपाल, CMS और उनके जो टॉप क्लास हैं, मतलब KIST, काठमांडू मेडिकल, सिर्फ उसमें जाना चाह रहे हैं, तो रिस्क हो जाएगा, क्योंकि सेम काउंसलिंग है ना। तो अब अगले दिन जब इंडियंस भी जाएंगे, लेट से आप 200 नंबर वाले पहुंचे हुए हैं मणिपाल लेने के लिए, क्योंकि आपको कन्फर्म किया गया था, बट पहले दिन मणिपाल की सीटें कुछ ख़त्म कर दी हमारे इन बच्चों ने जिन्होंने MSc एग्ज़ाम दी है,
और अगले दिन 300-350 नंबर वाले पहुंच गए, उन्होंने मणिपाल ले लिया, फिर आप खाली रह जाओगे। उस समय ये ज़रूर है कि मौके पे आप कोई और कॉलेज ले सकते हो, अगर आपने पहले बुकिंग कराई थी मणिपाल की वो पैसे वापस आ जाएंगे, और फिर जो आपको कॉलेज मिल रहा है वो पैसे आप वो कॉलेज आप ले सकते हैं। तो बस ये प्रोसेस मैं आपको समझाना चाहता था, तो सोच समझ के फैसला कीजिए। मैंने अभी जो हमेशा कहता हूँ, हमने पर्सनली अपने किसी भी क्लाइंट का अभी तक 4-5 लाख रुपए की फ़ीस ट्रांसफ़र नहीं कराई है। सिर्फ मतलब यहाँ वीडियो में तो मैं लोगों को बुला नहीं सकता, पर वो लोग खुद भी वीडियो सुन रहे होंगे। सबसे हमने यही कहा है कि फ़िलहाल तो आप एक नॉमिनल अमाउंट देकर सिर्फ रजिस्ट्रेशन कीजिए और वेट कीजिए कि क्या होता है। और पक्का अगर नेपाल जाना है तो फिर एक बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि इतने नंबर हैं तो ये कॉलेज तो है सेफ़, पर अगर आपको वो कॉलेज चाहिए तो फिर बेटर है कि आप एग्ज़ाम दे दो। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। अगर आप नेपाल का, जैसे आपके 300 नंबर है, अच्छा भला इंडिया में पास हो, अगर आप नेपाल का पेपर देते हो और गलती से उसमें फ़ेल हो गए, फिर आप नेपाल जाने के लायक नहीं रहोगे। क्योंकि या तो जब आप फॉर्म भर रहे हो, या आप कैटेगरी वन का भर सकते हो या कैटेगरी टू का भर सकते हो। वन मतलब जो पेपर देगा, टू मतलब जो पेपर नहीं देगा। तो मैंने ये भी कन्फर्म किया नेपाल में कि सर एक बच्चा ऐसा है जो दोनों में तैयार है, कि वो फॉर्म भी तो भरना है, 10,000 रुपये तो देने हैं ना, 5,000 रुपये कैटेगरी वन का भी भर दो, टू का भी भर दो। अगर कैटेगरी वन में क्वालिफाई कर गया पेपर देके, तो हमें एडवांटेज मिलेगी, हम उसके हिसाब से सीट ले लेंगे। गलती से फेल हो गया तो अपने नीट में तो 250 नंबर है, उसके हिसाब से ले लेंगे। तो ये चीज़ नेपाल अलाउ नहीं करता है। तो या तो आप कैटेगरी वन का भरेंगे या टू का भरेंगे, वो भी रिस्क आपको देखना है। मेरा ये मानना है कि भाई अगर आप 200-250 नंबर इंडिया में लाए हैं तो आप कैटेगरी वन का भी भर के पेपर दे सकते हो, ताकि आपको पहले जो टॉप 5-6 कॉलेज हैं वो मिलने की गारंटी हो जाए। उसके अलावा अगर आप डायरेक्टली जा रहे हैं तो फिर भी मैं कहूँगा कि आपको सीट मिल जाएगी, बट ये भी हो सकता है ना कि आपको देवदा, जानकी, KUST धूलीखेल, नेशनल मेडिकल कॉलेज, ऐसे कॉलेजों में जाना पड़े जो नेपाल में मेरे हिसाब से बॉटम वाले कॉलेजेस हैं। उनमें जाने के लिए आपको मेंटली तैयार होना चाहिए, और उस दिन वहाँ पर वो मिल सकता है। और जो आपने फ़िलहाल जो एडवांस दे दिया है, आई होप कि वो आप एक कंसल्टेंट या कॉलेज वापस कर देगा। तो प्लीज़ इस प्रोसेस को समझिए, जिससे भी काम कराइए, दिस प्रोसेस शुड हेल्प यू। और इस प्रोसेस में कोई भी डाउट है तो जो MBC का 6 पेज का ब्रोशर आया हुआ है उसको ठीक से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस ऐसे ही होती है। इस बार दिसंबर जनवरी में होगी, मैं कोशिश करूँगा नेपाल जाके लाइव रिकॉर्ड करने की, ताकि एटलीस्ट अगले साल से आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। हमसे संपर्क करना चाहें यू नो द नंबर 9643362320। और फिर से कैटेगरी टू वालों के लिए तो जुलाई एंड तक का टाइम है फॉर्म भरने का, बट कैटेगरी वन जिसको पेपर देना है उसके लिए 2 जुलाई है, तो 5-7 दिन बचे हैं। बहुत बेसिक फॉर्म होता है, भर लीजिए, कंसल्टेंट से भरवा लीजिए, हमारे थ्रू भरवा लीजिए। और 9 जुलाई है, फिर आपकी एक्स्ट्रा फीस जाएगी, ज़्यादा नहीं 5,000 ही फालतू जाएगा। आप तब तक सोच सकते हैं, पर सोच समझ के फैसला कीजिएगा कि कैटेगरी वन के थ्रू भरना है या टू के थ्रू भरना है। एग्ज़ाम मिड अगस्त में होगा, काठमांडू डायरेक्ट फ्लाइट जाती हैं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्लासेस आपको जुलाई में मिल रही हैं। तो आप एक बच्चा और एक पेरेंट के साथ जाके 25-30 हज़ार का टोटल खर्चा करके आप पेपर दे के आ सकते हैं, विच विल बी रियली बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल, अगर आपको नेपाल के टॉप कॉलेजेस चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो ये भी हो सकता है कि आप जो नेपाल के सरकारी कॉलेजेस हैं जिसमें फ़ीस पूरी जाएगी, पर पूरी भी तो 72 लाख का ही पैकेज बनता है ना, पर आप उन कॉलेज के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, चाहे वो BP कोराला हो, चाहे वो नेपाल आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ओके, अगर आप नेपाल के एग्ज़ाम देते हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, 9643362320।